सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द आर्ट ऑफ फैमिली ब्लॉग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक स्वीट। उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है मिल्क पाउडर, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जिसमें है आलमंड एंड कैश्यू, यहाँ पे लिया है मैंने शुगर एंड यहाँ पे 1 कप ऑफ घी एंड यहाँ पे कुछ कार्डमम्स। तो इसे हम अच्छे से बारीक कूट लेंगे। तो इस मिठाई को आप किसी भी फेस्टिवल में बना सकती है। ये मिठाई मैं अभी स्पेशली राखी के लिए बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे जन्माष्टमी में भी बना सकती हैं। तो यहाँ पे हमें एक और इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि है मिल्क। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख देती हूँ। उसमें हम डालेंगे 1/2 कप ऑफ घी। तो घी को हमें थोड़ा सा गर्म होने देना है बिकॉज हमारा जो घी है वो ऑलरेडी मेल्टेड है। तो यहाँ पे हमारा जो घी है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। यहाँ पे हम डालेंगे 1 ग्लास ऑफ मिल्क। मिल्क बहुत ही केयरफुली डालना है बिकॉज इसके जो छींटे हैं वो पड़ सकते हैं हाथ पे। तो मिल्क हम डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देन हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे मैं 250 ग्राम ऑफ मिल्क पाउडर ले रही हूँ जो कि इस कप की मेजरमेंट है। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी मिल्क पाउडर की कमी लग रही है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी मिल्क पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे आप विस्क की हेल्प ले सकते हैं मिक्स करने के लिए। इसमें हमें एक भी लम्स को नहीं रहने देना है। तो बिल्कुल अच्छे से चलाते हुए अब हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे। तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए कुटी हुई इलायची। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और लगातार चलाते हुए इसे हम कुक करेंगे। लगातार चलाएंगे क्योंकि हमारा जो बैटर है इसे हमें कढ़ाई में चिपकने नहीं देना है। तो बिल्कुल ऐसे ही चलाते हुए हमें अपने बैटर की जो कंसिस्टेंसी है उसे ठीक करना है। यहाँ पे हमारे मिक्सचर का जो कलर है वो चेंज हो चुका है, ये हो चुका है गोल्डन कलर का। तो अब इसे थोड़ी देर और हम चलाएंगे और बस हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब स्वीट्स को किसी भी आप शेप में इसे आप दे सकते हैं। आप इसे बर्फी का शेप दे सकते हैं, पेड़े का शेप दे सकते हैं या फिर आप इसे सर्कुलर शेप भी दे सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल लगातार चलाते हुए हम कुक कर लेंगे। तो देन इस स्टेज पे हम गैस को ऑफ कर देंगे एंड यहाँ पे हम एक प्लेट ले रहे हैं जो कि बिल्कुल प्लेन है। इसमें हम ऐड डाल रहे हैं थोड़ा सा घी और इसे पूरी प्लेट पे अच्छे से हम फैला देंगे। देन हमारा जो मिक्सचर हमने जो रेडी किया है उसे हम इसी प्लेट पर डालेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैं घी को अच्छे से ग्रीस कर दे रही हूँ इस प्लेट को और ये देखिए बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है हमारे मिक्सचर का। तो इसे हम इस प्लेट में डाल देंगे। सो यहाँ पे हमारे जो स्वीट का मिक्सचर है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा करेंगे। देन इसे हमें स्वीट्स का जो भी हमें शेप देना है वो शेप दे करके इसे रेडी कर लेंगे।